बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से और आप सब दोस्तों की दुआओं से आज का व्लॉग कर चलते हैं स्टार्ट। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई हैंड्स पैलेस, जो हमारा बन रहा है और वो कंप्लीट आज हो जाएगा, बिल्कुल 100% कम्प्लीट हो जाएगा भाई। तो बाकी एक खुशी तो ये थी कि भाई हैंड्स पैलेस कम्प्लीट हो जाएगा, दूसरी खुशी क्या आप लोगों को, चले दिखाते हैं हम लोग। ये हमारा भाई कमरा आ गया और कमरे में हम इंटर होते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, हमारे बिस्तर भाई गद्दा शद्दा चेंज किया। ये लैपटॉप खोलते हैं, 1 2 3 टंटना, भाई का गूगल एडसेंस पिन आ चुका है यार, गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। लाइट खोल ले पहले ना, गूगल एडसेंस पिन आ चुका है तो यार इस खुशी का ना बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है आप लोगों को कि ये खुशी कितनी होती है, क्योंकि ये गूगल एडसेंस पिन मुझे रिसीव हुआ है 53 डेज़ के बाद, मुझे 53 डेज़ के बाद रिसीव हुआ है। और मैं तो भाई यानी कि हिम्मत आ चुका था कि ये आएगा भी कि नहीं, मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, लेकिन फाइनली यार सुबह डाकिया की कॉल आई कि आपकी डाक आ चुकी है यार। मैंने कहा ये तो नींद उड़ गई थी, सुबह 8:30 बजे कॉल आई है ना, मेरी नींद उड़ गई थी, हालांकि रात को मैं लेट सोया था। मैं उठा, जल्दी से भागा डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिस जो यहाँ का GPU है, वहाँ से जाके रिसीव किया तो उसके चेहरे पे भी खुशी थी कि यार इतने टाइम से आप वेट कर रहे हो, और मेरे चेहरे पे तो एक अलग ही खुशी थी। तो मैं ना जल्दी से 5 मिनट लगेंगे पापा को ना ऊपर थोड़ा सा सामान वगैरह चाहिए यानी कि मिस्त्रियों को जो देना है वो ले दे आऊँ पहले, फिर इंशाल्लाह आके इसको अनबॉक्स करते हैं यानी कि इसका रैप कट करते हैं और इसको जो पिन होगा वो वेरीफाई करते हैं अपने गूगल एडसेंस में। जल्दी से 5 मिनट में इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। जी सर, हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा सामान सीमेंट यानी कि कम पड़ गई थी, वो सीमेंट का एक बोरी ला के देनी थी ऊपर, वो मैंने ला कर दे दिया। यूँ फट से भाई भागते हुए गए और अब हम आ चुके हैं। ये हमारा गूगल एडसेंस का भाई जो है रैपर यानी कि कागज़, इसको हम अनरैप करते हैं जल्दी से और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, चलें। जी तो यार हम अभी नीचे बैठे हुए थे और सारा अपना काम शाम जो एडसेंस का पिन वेरीफाई करना था और सारा जो मेथड वेथड था यार वो पूरा पहले वीडियो से देखा, क्योंकि यार हमारा फर्स्ट टाइम है ना तो सारा कुछ बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ के करना पड़ता है, कुछ भी गलती हो जाए तो ये चीज़ तो भाई इसको वेरीफाई करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे गूगल वाले ना कॉल शॉल उठाते हैं, इनकी ना कोई हेल्पलाइन है, कॉल शॉल कोई पिक नहीं करते, तो इसलिए पिन अपना बिल्कुल देख ध्यान से लगाना पड़ता है कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे मेरा आ गया कि एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट, आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना एडसेंस वेरीफाई हो चुका है। आज फिर यार आप देख सकते हो सनसेट, ओए होए होए यार क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं आप चेक करो, बादलों का झुरमट क्या बोलें यार, खुदा की कुदरत आप चेक करें, बस कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ नहीं कह सकते, बस देख के नज़ारे लो इधर से भी और इस साइड से भी। यहाँ से दिखाता हूँ, मैंने अभी देखा था, ये देखो यार ये देखो, ओए होए क्या लविश नज़ारे, ऐसे लग रहा है जैसे ना आसमान के ऊपर किसी ने ना रुई इधर उधर बिखेर दी है। तो भाई अपना माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो मुर्गियों का भाई हैंड्स पैलेस था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कैसे हो चुका है कि पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, अब क्या होना है इसके ऊपर पेंट होना है और अभी एक दफ़ा हमने इसके ऊपर ये शॉपर वगैरह बाहर चिपकाया है ताकि यार अंदर ना वो ना लगे, सर्दी ना लगे, और ये दरवाज़े पे पेंट शेंट होना भी ऐसे ही। तो आप देख रहे हो कि पाइप किस चीज़ का जा रहा है, तो भाई ये पाइप हमने लगाया हुआ है अंदर गैस के लिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी इनका खुड्डा हो रहा है ठंडा, तो हमने हीटर लगाया भाई इनके लिए और ये देख सकते हो आप कैसा है अंदर से ना, और रोशनी पड़ रही है तो ऑरेंज ऑरेंज सारा अंदर से हो रहा है। अभी इसमें बल्ब शलब लगेंगे, नीचे तूड़ी बिछेगी, नीचे गर्माइश आई होगी, अभी ये ठंडा हो रहा था थोड़ी देर पहले, हीटर चलाया ना तो थोड़ी गर्माइश पैदा हुई अंदर, अब बिल्कुल सेट है भाई, इसमें सुकून से चला फिरा जा रहा है, वरना यहाँ तो भाई बैठा भी नहीं जा रहा था। छोटी मुर्गियों को हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ा था, देखो उन्होंने गंद मचा दिया। तो बाकी मुर्गियों को ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ उस घर से इस घर में भाई अभी एक दिन लग जाएगा, यानी कि आज के दिन इसको हम सारे को सूखने देते हैं और कल ही मुर्गियों को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे आराम सुकून से, ताकि उनके घर में वो आराम से जा सके सुकून से। अभी तो इनको यहाँ पे बंद कर दिया, पूरा पैक कर दिया देखो, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी हो रही हैं यार, और सर्दी काफ़ी हो रही है, सर्दियाँ क्या मतलब, और हम नहीं चाहते कि यार मुर्गियाँ बीमार हों। मैं इसको दरवाज़े को बंद कर दूँ यार, अंदर ना हीटर चल रहा है तो वो गर्म हो जाए थोड़ा सा ना, बार बार खोलने से ना अंदर ठंडक ना जाए,
तो अभी अंदर से वो गर्म हो जाएगा ना, तो थोड़ी देर तक हीटर को बंद कर देंगे और फिर इंशाल्लाह ताला कल इसको सारा अंदर से सफाई सफाई करके बल्ब शल्ब लगा के सारी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुर्गियों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, कल मुर्गियाँ अपने नए घर में सोएंगी। आज एक ब्लैक वाली मुर्गी यार थोड़ी सी बीमार लग रही थी, उसको हमने दवाई शवाई दी है और सुबह उसको चेक करवाने भी लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो सुबह इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे आपको कि भाई डॉक्टर के पास क्या बोलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। मुर्गी ना अजीब अजीब से यानी कि आवाज़ें हल्की हल्की निकाल रही है, बाकी मुर्गियाँ बिल्कुल सेट है। तो उनको मैं उसको मैंने दवाई शवाई डाल के अंदर अलग-अलग बंद किया और बाकियों को अलग-अलग बंद किया, तो इसलिए बाकी हमने एग हैचिंग मशीन जो थी उसको अंदर रखा हुआ और दरवाजे को लगाया हुआ भाई ताला अभी बंद किया हुआ है। तो एग हैचिंग मशीन में अंडे शंडे रखे हुए हैं, तकरीबन 25 से 30 अंडे रखे हुए हैं और 21 दिन का टाइम है। देखते हैं यार हमारा फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब होता है, कितने अंडों में से बच्चे निकलते हैं कितने, क्योंकि यार अंडे ज़ाया जाते हैं पूरी 100% बात होती है, बीच में से अंडे ज़ाया भी जाते हैं और कुछ में से बच्चे निकलते भी हैं होता है। तो हमने जो मशीन बनवाई है जिस पर पैसे लगाए हैं वो मशीन कामयाब भी तो हो। तो ये देख सकते हैं ये रेत शेद बची है, जो रेत यानी कि हमने 2-3 रेडियां मंगवा ली थी, बाकी ये रेत शेद बची है भाई देख ही सकते हो आप। और इसके ऊपर यार अब काफ़ी लोगों के दिल में आ रहा होगा कि यार इसके ऊपर कितना खर्चा आया होगा, ये क्या कितने में यानी कि सारा सामान आया होगा, तो यार वो मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। इतना यानी कि खर्चा इसके ऊपर बहुत लग चुका है, यानी कि मुर्गियों का घर बनवाते बनवाते ना अच्छा खासा, सुन रहे हो खर्चे की बात की ना, उसके बहुत से आवाज़ नहीं कर रहे पॉप पॉप पॉप। तो भाई इसके ऊपर हमारा अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊँगा, यानी कि मुझे भी अभी सारा कन्फर्मेशन करनी है, सारा हिसाब किताब लिखे हैं कितने किसके गए हैं कितने किसके गए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ यानी कि अंदाजतन इसके ऊपर 40-45K भाई आ गया है खर्चा, क्योंकि ये जो हमने स्लेपें लगवाई हैं ना इसी का भाई, ये स्लेपें ना खाली स्लेपें और ये जालियाँ इसी में 18K लग गए थे। तो बाकी तो मिस्त्रियों के मजदूरी बाकी ये सारे काम में बहुत ज़्यादा लगा, ईंटें शीटें बहुत ज़्यादा काम है, अभी सारा कुछ लिखूँगा और जी जिसका क्या क्या रह चुका है किस किस से पैसे देने हैं उनको पैसे देते हैं फारिग करते हैं टेंशन ना हो जाके, और ये काम पहले ही कर देना चाहिए, जिसके जितने पैसे बनते हैं उसको उसको टाइम पर दो और काम ख़त्म करो। मजदूर मिस्त्रियों के तो पैसे सारे हो चुके हैं, जाली वाली के हो गए, बस ईंटों वाले को देने पैसे वो भी इंशाल्लाह आज ख़त्म कर देंगे। तो बाकी आप देख सकते हो यार हमारा ये मुर्गियों का खुड्डा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है और अल्लाह पाक मुर्गियों को इसमें रहना नसीब करे और नई भी मुर्गियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह, आपको दिखाते रहेंगे अपने इस व्लॉगिंग के कैरियर में, अपने इस व्लॉगिंग के सीजन में आपको दिखाते रहेंगे। बाकी जो हमारा हैंस पैलेस की सीरीज़ चल रही थी ना पार्ट 4 तक, आज पार्ट 5 और लास्ट पार्ट होगा, बाकी आज डबल खुशी मिल जाएगी यार, हैंस पैलेस भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा एडसेंस का पिन भी वेरीफाई हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी यार माशाल्लाह बोल देना, माशाल्लाह बोलना लाजमी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो मस्ट है, कुछ भी दिल करे दुआओं में याद रखना, हमारी मुर्गी को भी दुआओं में याद रखना भाई। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में कल के एपिसोड में, तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़। जी तो यार हमने अपना जो गूगल एडसेंस का पिन था उसको अनरैप कर लिया है और इसका जो अंदर वाला कोड था उसको गूगल एडसेंस के जो पिन की वेरिफिकेशन वाले सेंटर में था वहाँ कोड को डायल कर दिया, 6 डिजिट का सिर्फ कोड था, जिसके लिए हमें 53 डेज भाई इंतज़ार करना पड़ा बाकी, लेकिन भाई जो भी इंतज़ार करना पड़ा इंतज़ार का फर मीठा हुआ, यानी कि हमारा कोड आ चुका है भाई। तो यानी कि गूगल एडसेंस हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो फाइनली यार जो ये वाले भी एक यानी कि स्टेप था ना, यानी कि कामयाबी की मंजिल की तरफ एक और स्टेप, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही यानी कि $100 का क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो उसके अंदर हम बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे और भाई फिर पेमेंट आएगी, पेमेंट माल आएगा माल। तो चले यार बिल्कुल भी लेट ना करते हो ना यार, कमरे की आप हालत देख सकते हो, कमरा ऐसे बिगड़ा पड़ा है ना, सारी की सफाई वगैरह करनी है, तो अभी सारी कमरे की सफाई वगैरह करते हैं और कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ऊपर चलकर सीन देखते हैं कि भाई हमारा हैंस पैलेस कहाँ तक पहुँचा, कितना काम रह गया, कितना थोड़ा सा काम रह गया। तो चले जल्दी से सफाई वगैरह करके इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं कपड़े शपड़े चेंज करके।